हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपको DOE की तरफ से एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो ये बुक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिलती है। सेशन 2023-24 की बुक ये आपके पास है, लेटेस्ट एडिशन ही है। इसमें हमने अपना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 10 हीरोइंस का सूत्र मीन्स हीरोइंस फॉर्मूला शुरू कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 तक करा दिया था। 32 तक के तो अपलोड है चैनल पे, वहाँ से उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कर ली होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से करते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी संभव त्रिभुज की भुजा का माप x इकाई हो तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि संभव त्रिभुज अपॉन में 4x² होगा। कह रहा है एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा एक्स है, तो आपको हीरोन फॉर्मूला लगा के ये उसका एरिया जो है वो निकालना है, √3/4x². वैसे एरिया यही होता है पर आपको फॉर्मूले से ये सिद्ध, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 33, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज शो दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4x² वेयर एक्स इज द साइड। वो करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो √3/4x², जहाँ पर एक्स जो है वो आपके पास साइड है। हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है यहाँ पर। हाँ करते हैं इसको, तो सबसे पहली बात एस निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप मीन्स सेमी पेरीमीटर होता है a+b+c/2। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, संभव त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, x+x+x/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x/2। एरिया आपके पास क्या होता है, क्षेत्रफल। पहले उसका सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, तो वो होता है आपके पास s-a, s-b और s-c। ऐसे आपके पास 3x/2, s-a, आपके पास x है, b भी x है और c भी x है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x/2 इनके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा लिया। तो जब आप बेस सेम करोगे तो 3x में से 2x जाएगा, तो यहाँ x/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी x/2 आएगा बेस सेम करके, यहाँ पर भी x/2 आएगा बेस सेम करके। तो यहाँ पर x की पावर तो 4 हो गई ना, क्योंकि 4 times x है, और यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो √3 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 4 है तो x² हो जाएगा, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। आपको यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था ना कि आपका एरिया इतना होना चाहिए। देखो यही आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं x x+1 व x 2x-1 है और क्षेत्रफल x√10^2 है, तो x का मान बताओ। एक त्रिभुज की फिर से तीन भुजाएं दे रखी हैं और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, आपको ये x का मान निकालना है, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x x+1 and 2x-1 एंड इट्स एरिया इज x√10^2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक साइड ट्राइंगल की तीन साइड्स दे रखी हैं x की फॉर्म में और उसका एरिया दे रखा है, आपको क्या करना है यहाँ पर जो x है ना उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेम ऐसे ही करते हैं इसको भी, पहले अपना s निकाल लेते हैं। होता है हमारे पास a+b+c/2, तो एक है x, दूसरा है x+1, फिर आपके पास 2x-1 और ये वाला 2 आपके पास नीचे ऐसी है, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ 2x है, मिलके 4x हो गया और ये तो कट गया, अपॉन का 2 ऐसी है, तो ऐसा आ गया आपके पास 2x। एरिया की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला होता है s, s-a, s-b और s-c। ऐसे आपके पास 2x-a, a की वैल्यू भी x ही थी, 2x-b, b की वैल्यू है x+1, तब हो जाएगा x-1, c की वैल्यू है 2x-1, अब हो जाएगा 2x+1, कि बाहर माइनस है ना तो मैंने साथ के साथ साइन चेंज किया है, तो यहाँ आ जाएगा 2x × x। सॉल्व करोगे तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, माइनस का 1 ऐसी, 2x में से 2x जाएगा 0, ये 1 ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास हो गया यहाँ पर 2x² और यहाँ हो गया x-1।
एक्स को तो बाहर ले जाओ, अंदर आपके पास क्या बचा, टू और एक्स माइनस वन। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा था, तो अब यहाँ पर एक्स रूट टेन, एक्स रूट टेन, एक्स रूट टेन और एक्स रूट टेन लिख दो। एक्स से एक्स कट गया, बचा के आपके पास रूट टेन इज इक्वल्स टू टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी ताकि रूट हट जाए, तो ये हो गया टेन इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर टेन अपॉन टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो ये आ गया फाइव। ये माइनस का वन इधर आके प्लस का हो गया, एक्स का मान आ गया सिक्स, जो कि आपको निकालना था। क्लियर है? तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आज की क्लास में अगेन हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, 33 एंड 34। नेक्स्ट क्लास में आगे के दो क्वेश्चंस करेंगे, डेली बेसिस पे दो दो क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को प्लस इन वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।